हम लोग अभी बिरायतन आ चुके थे, तो हम लोग बिरायतन घूम ही रहे थे उसी टाइम हम लोग को एक बहुत ही अच्छा चीज़ मिला, बहुत ही अच्छा परमिशन मिला कि हम लोग ताई माँ जो कि बिरायतन की फाउंडर है, जो कि बहुत हर चीज़ पे काम कर रही है, बहुत सारा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एक से एक डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल पे काम कर रही है जो बनवा रही है, और राजगीर में, बेंगलोर में, बहुत सारी जगह वो काम कर रही है। तो उनसे आज इंटरव्यू लेने का हमको सौभाग्य मिला। इस बात का बहुत ही ज़्यादा हमको खुशी है कि हर इंसान को ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि यहाँ की जो फाउंडर है, जो माता हैं, उनसे मिलने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले माता से मिलेंगे, उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कितना स्ट्रगल किए ये सारी चीज़ को बनाने में, इतना मेहनत किया, क्या क्या उनको दिक्कतें आई, हर चीज़ उनसे बात करेंगे। क्या पूछना है? आपने इस जगह को बनाने के लिए कितना मेहनत किया? आप जो भी आप अपने जब से भी स्टार्ट किया यहाँ के चीज़ों के बनाने के लिए, तो आपने कितना चीज़ सारा किया, किस वजह से आप किए ये चीज़ को, ये सारा चीज़ आप अगर बता सकते हैं तो हमें वो बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। आज से 50 वर्ष पूर्व मैं यहाँ पे आई थी। उस समय देश में तीर्थंकर महावीर की निर्वाण शताब्दी मनाई जा रही थी। उस समय इसे सोचा कि ये भगवान की भूमि है। तीर्थंकर महावीर ने यहाँ पे बिहार में एक तरह से अपना जीवन ही दिया है, संघ समाज धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया, आम जनता के लिए काम किया है। लेकिन आज बिहार में फिर से उनके उन विचारों की यहाँ पे ज़रूरत है। इस दृष्टि से मैं यहाँ पे आई, और यहाँ आने के बाद मैं देखा कि एकदम असामाजिक लोगों का यह केंद्र है, और इस जगह पे इन्हीं लोगों से, इन्हीं लोगों के लिए मुझे काम करना है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से ही इस भूमि पर खरीद करके फिर अलग अलग काम किया। सबसे पहले मैंने यहाँ के बच्चों के स्कूल के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, और जो वृद्ध बुज़ुर्ग लोग थे उन लोगों के आँखों की चिकित्सा के लिए कैंप किए, और फिर आई हॉस्पिटल बनाया, और फिर इसके बाद में गेस्ट हाउस है ये सब। पर जब यात्री आते थे तो उनको तीर्थंकर महावीर के जीवन के संबंध में जानने की बहुत उत्सुकता होती। लोग काफ़ी आ रहे थे, तो सोचा कि एक ऐसा स्थाई, एक ऐसा माध्यम यहाँ पे बना लिया जाए, और सोच रही कि क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। मंदिर या मूर्तियाँ निश्चित रूप से होती हैं, और मंदिर और मूर्ति से लोगों को इतना समाधान नहीं होता, देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो जानकारी है, और मैंने तो कभी अपने जीवन में, मैंने मेरा अध्ययन का क्षेत्र दूसरा रहा, दर्शन शास्त्र, नव्य न्याय, जैन आगम, तो यह मेरा विषय भी नहीं था आर्ट का। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कलात्मक लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है, तो इसी दृष्टि से तो मेरे पास कोई साधन तो थे नहीं, लेकिन इसी यहीं से सूखी लकड़ियाँ, सूखा घास, सूखी कोई भी चीज़ें मिल जाती, मैं उन्हीं को जोड़ती, कुछ मिट्टी में से जोड़ती, कुछ कागज़ में से जोड़ती, और जोड़ते जोड़ते कल्पना आई कि इसको और सुंदर रूप बनाया जा सकता है। तो मैंने बंगाल के कुछ कारीगरों को मैंने अपने साथ में जोड़ लिया, और उनके सहयोग से इस भगवान महावीर के जीवन को जो मैंने पढ़ा था शास्त्रों में, बस ऐसे में देखती, और मुझे ऐसे लगता कि कैसा वो समय होगा, किस प्रकार का वातावरण होगा, कैसे वो लोग होंगे, किस प्रकार के मकान होंगे, किस प्रकार की उनकी वेशभूषाएँ होंगी, किस प्रकार से उनके गहने होंगे, बस मैं सोचती, मेरी आँखों के सामने कुछ चित्र उपस्थित होता, और मैं कुछ कारीगरों की सहायता से मैंने वो म्यूजियम 5 साल के लगातार प्रयत्न से वो म्यूजियम बना, और अब तक करीब 45 वर्ष हो गए हैं। इसे 60 लाख लोगों ने अब तक देखा है, और अभी भी लगातार वो प्रवाह चालू है। कोरोना के कारण कुछ रुक गया है, लेकिन रोज 500-700 हज़ार लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और बिरायतन का एक ही मैसेज है, महावीर का भी एक ही मैसेज था, उन्होंने और किसी को नहीं कहा कि जाति या धर्म या देश या प्रांत, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया उन्होंने, बस सारी दुनिया के लिए एक ही संदेश दिया, वो था मैत्री। कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सको तो संपूर्ण विश्व के साथ मैत्री करो, यही मेरा एकमात्र संदेश है। और इस संसार का भी ये
आई हॉस्पिटल है, इसी तरह से यहाँ पे नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम जहाँ 3.5 लाख लोगों के आँखों के ऑपरेशन हो चुके हैं और करीब 40 लाख लोगों की आँखों की चिकित्सा हो चुकी है। तो हज़ारों लोग, न किसी की जाति पूछी जाती है, न किसी का धर्म पूछा जाता है, न किसी की जेब टटोली जाती है। जो भी कुछ दे सकता है दे, ना दे सके वो अपना फ्री इलाज भी करा सकता है, फ्री पढ़ भी सकता है और फ्री म्यूजियम को देख भी सकता है या ठहर भी सकता है, भोजन भी कर सकता है। अगर कोई दे सकता है उसकी खुशी है, अगर नहीं दे सकता उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। माँ, आपसे हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अगर आगे का कुछ और क्या क्या कौन कौन से चीज़ पे काम चल रहा है जहाँ की विकास के लिए बनाया जा रहा है कुछ चीज़। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं ऐसा सोचती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। हेल्थ की दृष्टि से अचानक किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए तो यहाँ कोई उपचार का साधन नहीं है, ना अच्छे चिकित्सक हैं, ना कोई ऐसा टेक्निकल, कोई मैकेनिक, ऐसा कोई भी उपाय यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ मैं डायग्नोस्टिक सेंटर का, ये तो अभी शुरू हो जाता पर कोरोना के कारण तो 1 वर्ष में ये खड़ा हो जाएगा डायग्नोस्टिक सेंटर। यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल के लिए भी मेरा प्लानिंग है कि यहाँ राजगीर में एक अच्छा इंटरनेशनल स्कूल, पापापुरी में अपना स्कूल है, लछवाड़ में अपना स्कूल है इस संस्था का, और इसके अतिरिक्त यही नहीं दुनिया के 25 जगह पे अपने सेंटर चल रहे हैं। गुजरात में है, कच्छ में है, पालीताना में, कच्छ में अर्थक्वेक होता है या कोई भी ऐसी जो प्राकृतिक विपदा आ जाती है उस समय उन लोगों की मदद के लिए मैं गई हूँ और वहाँ उनकी जैसे ज़रूरत पड़ी है उन लोगों के लिए काम किया है, उन लोगों के लिए काम किया है। और अभी भी एक ऐसा जो बॉम्बे में एक ऐसा मैं सेंटर बनाने जा रही हूँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि हमारा एजुकेशन है लेकिन एजुकेशन होने के बाद में जिस प्रकार की समस्याएं जीवन की है, एजुकेशन किस लिए, ज्ञान हम किस लिए प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन के प्रश्नों का समाधान हो। लेकिन सैकड़ों स्कूल, सैकड़ों कॉलेजेस, लाखों की संख्या में विद्यार्थी निकल रहे हैं लेकिन देश की समस्याएँ, चाहे वो आर्थिक विषमता हो, चाहे जातीय संघर्ष हो, या पॉलिटिकल हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, परिवार के हो, मनोवैज्ञानिक हो, प्रश्न तो वही के वही है। इसका मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस दृष्टि से मैं रिसर्च इन एजुकेशन सिस्टम बॉम्बे में एक बहुत बड़ा सुंदर एक सेंटर बनाने जा रही हूँ जहाँ सारी दुनिया के अच्छे से अच्छे स्कॉलर्स और इस विषय पर कि जहाँ किसी भी प्रकार के देश जाति के भेद के बिना समग्र मानव जाति के जो प्रश्न है, आज देखो जहाँ देखो वहाँ प्रश्न है, आज अफगानिस्तान का प्रश्न, तालिबान का प्रश्न, जहाँ देखो राष्ट्रीय प्रश्न, राष्ट्रीय समस्याएँ, और वह एक जगह नहीं है, वो सारी दुनिया को दबाव में ले लेती हैं, चिंताएँ पैदा कर देती है, क्या होगा कल कुछ पता नहीं लगता। तो इतनी सुविधा के बाद में, इतने विकास के बाद में, इतने शिक्षित लोगों के बाद में भी अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान ना कर सके तो हमारी इस एजुकेशन का मतलब क्या हुआ। तो एक ऐसे ही व्यापक विषय पर बहुत गहराई से सोचकर सारी दुनिया के विद्वानों को बुला करके एक योग्य मार्गदर्शन हम वहाँ से दे सके, इसके लिए मैं बॉम्बे में काम कर रही हूँ। माँ, मेरा एक दो सवाल है कि सेवा में आप आए, मतलब सेवा में आने का जो आपका मतलब एक्सपीरियंस था वो कब से, मतलब आपको लगा कि नहीं मुझे सेवा करना चाहिए? बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, तब से मैं स्कूल में जाती थी। स्कूल में बच्चों के पास अगर कोई पेंसिल ना देखते मैं तड़प जाती हूँ, उन लोगों के लिए मैं कैसे जुटाऊँ। किसी के पास में कोई खाने पीने का न होता, वो बच्चे देखती मैं स्कूल में, तो उन लोगों के लिए लगता कि मैं इन लोगों के लिए क्या करूं। बचपन से ही
जब भी कभी मौका मिला मुझे ऐसे लगा कि इन लोगों के लिए मैं थोड़ी भी कहीं मदद कर सकूं वो मुझे करनी चाहिए। इस मदद का ही विचार उस प्रभु की कृपा है, ईश्वरीय देन है, जो ऐसे लगा कि अपने जीवन में मुझे अपने व्यक्तिगत दृष्टि से कभी कोई बहुत बड़ी अपेक्षाएँ नहीं रही कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, कैसे गहने चाहिए, कैसे ये कभी किसी भी प्रकार से मैंने अपने मन तो ऐसे हुआ कि मेरे टीचर के पास में एक मतलब बहुत साधारण कपड़े थे और मैं स्कूल में थी, मेरे कपड़े अच्छे थे, तो टीचर ने कहा कि तुम्हारे कपड़े कितने अच्छे, मैं कहा मैं दे दूँ आपको निकाल के। तो एक तरह से कहीं पर भी जब भी मौका मिला मैंने अपने आप को वहाँ पे मतलब अपने आप को पीछे नहीं देखा। माँ एक और सवाल है कि जैसे कि बहुत सब पूरा इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन आपने राजगीर को क्यों चुना विरायतन के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए राजगीर को ही क्यों चुना? मैं ऐसे मूल में राजस्थान से हूँ, फिर हमारे पूर्वज महाराष्ट्र में पुणे से, और वहाँ से मैं निर्वाण शताब्दी का जो समय था और जब मुझे पता था कि तीर्थंकर महावीर बिहार के हैं, क्योंकि जिनकी स्मृति में काम करना है पूरा देश बॉम्बे के लिए विचार कर रहा था, दिल्ली के लिए सोच रहा था, कलकत्ता के लिए, बड़े शहर, बड़े आयोजन, बड़े कार्यक्रम, सब बड़े लोग बड़ी तरह से सोच, मुझे ऐसे लगता था तीर्थंकर महावीर की स्मृति में कर रहे हैं तो उन्हीं की भूमि में जाके करना चाहिए। इसी दृष्टि से मैंने राजगीर का, और मुझे ऐसा था कि महावीर भी करुणा के स्रोत हैं, उनके जीवन का करुणा के सिवाय कोई दूसरा उनका संदेश नहीं कि तुम ये कपड़े पहनोगे, ऐसा मत खाओ कि वैसे बैठो, कुछ नहीं। उनका था कि तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम है तो जो भी करोगे वो सब सही होगा, बस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बिहार का चुनाव और ख़ास करके राजगीर। 14 वर्ष तक महावीर यहाँ पे रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों में रहे हैं, इसी जगह पे उस समय में एक बहुत बड़ा बगीचा था, वो यहीं पे ठहरते थे, जब भी आते वो यहाँ पे आते, लोगों को संदेश देते, लोग उनके पास आते और हर प्रकार के लोग आते थे, राजा भी आते थे और साधारण से साधारण अपराधी भी उनके पास आकर के बैठ करके उनसे मार्गदर्शन ले सकता था। माँ आपको भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा आप जानती हैं, मेरा एक सवाल है जो कि मतलब अक्सर मुझे कन्फ्यूज़ करता है कि जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म स्थल कहाँ है? ऐसा है कि भारतवर्ष के पता नहीं जिससे इतिहास को संभाल करके रखना आना चाहिए, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से लिखा भी होगा, रहा भी होगा, इतनी बड़ी राज्य क्रांतियाँ हुई हैं, प्राकृतिक उपद्रव हुए हैं, कुछ बह गया है, क्या हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये लिछवाड़ है, लिछवाड़ के पास में जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही वह एक गाँव है जो वहीं पर भगवान के जन्म, मेरे गांव से कुछ ही दूर पे वो जगह है, बहुत सुंदर जगह है, मैं भी गई हूँ उस जगह। माँ आपसे एक मेरा सवाल है कि आप शांति चाहते हैं कि हर कोई शांति से रहे, अच्छे से रहे, मिलजुल के रहे, आपका यही मानना है कि हर कोई अच्छे से रहे, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी देखेंगे ये वीडियो, तो जो लोग गलत कर रहे हैं, जो कि सही तरीका से नहीं काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति से यही कहूँगी कि जब भी व्यक्ति बालक जन्म लेता है, जब जन्म लेता है, कोई भी प्रत्येक बालक जब जन्म लेता है वह माँ की गोद में पैदा होता है और वह प्रेम के साथ पैदा होता है और उसे प्रेम चाहिए, और उसे जब माँ का प्रेम मिलता है, परिवार का प्रेम मिलता है, उसको खुशी मिलती है। कहीं ना कहीं गलत संस्कारों के कारण एक प्रकृति की एक सुंदर कृति उसको विकृति आ जाती है, तो उस विकृति के समय अगर उसे कोई अच्छे संस्कार मिल जाए, और मैं जो भी इस बात को सुनते हूँ मैं कहूँगी तुम इतना ही सोच लेना कि तुम्हें क्या चाहिए, ये गलत काम करने से तुम सुखी होते हो, तुम्हें प्रसन्नता होती है, तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोग उसे खुश होते हैं, और अगर तब तुम्हें खुशी मिलती है या तुम्हारे आसपास के किसी लोगों को खुशी होती है, तो ऐसा गलत जीवन, पशु भी नहीं ऐसा जीवन जीता, पशु भी अपना अहित जान करके नहीं करता, उसे लगता है कि वहाँ पे अगर कोई गलत है कि वहाँ मुझे डर लगता है कि मुझे पकड़ लेगा, वो अलग होता है। तो
तुम एक इंसान हो, प्रभु ने तुम्हें एक सोचने समझने की अलग से प्रतिभा दी है, एक ऊर्जा दी है, एक ताकत दी है, एक अच्छा जीवन जीने का एक साधन दिया है। तो अच्छा जीवन छोड़ करके क्या हम स्वयं अपने आप को उस कचरे के ढेर में डालना चाहेंगे? जो भूल होती हो एक बार हिम्मत करो, साहस करो और उस गलती से अपने आप को हल्का कर दो, मुक्त कर दो, धीरे धीरे छोड़ो और देखोगे कि तुम्हारा जीवन उसी प्रकार से किसी और व्यक्ति का अच्छा जीवन बन सकता है, तुम्हारा जीवन भी उतना ही अच्छा सुंदर दिव्य भव्य बन सकता है। अच्छा माँ, आपसे एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो अपने ज़िंदगी में आपने सोचा कि जो चीज़ हमको कर लेना चाहिए, जो आपने जो आपका सपना रहा होगा, आपको ऐसा लगता है कि आपका वो सपना पूरा हो गया या फिर आपको अभी और बहुत कुछ चीज़ करना नहीं, है? ऐसा है कि मैं ऐसे काल्पनिक स्वप्न तो नहीं देखती हूँ कि मैं जो कर सकती हूँ उसी प्रकार से सोचा और जो सोचती गई हूँ करीब करीब वे सारी चीज़ें होती गई हैं। और अभी भी मैं सोच रही हूँ जो दो चार पाँच नए प्रोजेक्ट हैं, बेंगलोर का भी एक प्रोजेक्ट है, बॉम्बे का भी एक प्रोजेक्ट है, कच्छ में भी एक प्रोजेक्ट है, पालीताना में एक प्रोजेक्ट है, बॉम्बे में एक प्रोजेक्ट है, मेरठ में एक प्रोजेक्ट है, गुंडी में एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ काम चालू है। तो मुझे लगता है कि दो तीन साल में मैं 85 में हूँ, एक तरह से एक काफ़ी जीवन की यात्रा पूरी कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद में भी काफ़ी लोग पीछे से मेरी बात को समझ करके उसको सम्मान दे करके उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास है। माँ, जो आपने काम किया है अपने ज़िंदगी में, जितना भी भलाई किया, जितना भी अच्छा काम किया है, उससे हमको ऐसा लगता है कि जो भी लोग आपको देख रहे होंगे उनको एक अच्छा संदेश मिलेगा और वो अपने जो भी ज़िंदगी को होगा अच्छे रास्ते पर लेके जाएंगे। माँ, और माँ ओवरऑल अगर एक स्तर से देखा जाए तो आपके कारण, विरायतन के कारण इस इलाके में जो बिहार का हमारा रेंज है, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो अपने आँखों से देख पाते हैं, वो सिर्फ यहाँ के कारण हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ के अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, वो सिर्फ यहाँ के कारण। माँ, तो बिहार और लगभग हर पूरा बिहार आपका आभारी रहेगा माँ, हमेशा हमेशा के लिए। इसके लिए आप पूरे बिहार के लिए पूजनीय हैं माँ। मुझे बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, जब भी लोगों के जीवन में अगर मैं कहीं निमित्त बन सकी हूँ या सहयोगी बन सकी हूँ, तो मेरी अपेक्षा केवल इतनी है कि वे इन अच्छे विचारों का आसपास के लोगों में भी उन विचारों का विस्तार करें, और केवल उतने ही लोग नहीं, बिहार का हर व्यक्ति, पृथ्वी का हर व्यक्ति, देश और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इतनी ही खुशी से, सुख से, प्रसन्नता से जी सके और हम एक दूसरे के उपद्रवी बन करके नहीं, लेकिन उपयोगी बन करके, एक दूसरे के सहयोगी बन करके अगर हम जीवन जी सकेंगे तो हम खुशी का माहौल सारे संसार में हम पैदा कर सकेंगे। यह हमारे हाथ की बात है, हम नहीं चाहते, हम अपने जीवन को एक तरह से उसके साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम अगर मेहनत करें तो हमारे जीवन को खिले खिले उद्यान की तरह बना सकते हैं। माँ, आपसे एक ही चीज़ हम लोग अब कहेंगे कि हम लोग जो भी रास्ता पे चल रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग सफल हों। आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भी आशीर्वाद है, तुम जो इतनी अच्छी बात सोच रहे हो और इतनी अच्छी बातों को प्रचार प्रसार करने के लिए, आजकल तो जो गलत बातें हैं न्यूज़ में देखो, सारी जो अच्छाइयाँ हैं उसको ना हम सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है, ना हमें उसमें कहीं रस है, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो एक तरह से ऐसी दुनिया में किसी अच्छी बातों को लाना, अच्छी बातों को रखना या उसका प्रचार प्रसार करना, उसके लिए मेहनत करना, मेहनत करेंगे तो उसका बाकी दुष्कर्म का फल निश्चित रूप से है, खराब ही है, लेकिन सत्कर्म का फल 100% सही है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे विचारों के साथ, निश्चित रूप से आप यशस्वी होंगे। आशीर्वाद है, आप आशीर्वाद देंगे हम लोग की, हम लोग सफल रहे। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, धन्यवाद। हाँ जी, तो अभी आप लोग सुन रहे थे विरायतन की माँ को, जिन्होंने अपने हाथों से पूरे विरायतन शहर को बनाया है, इस पूरे जगह को बनाया है, और माँ ने क्या कुछ किया है यहाँ के लोगों के लिए या फिर पूरे इंडिया के लिए, ये आप लोगों ने माँ से सुना। बहुत सारे कैसेट्स ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और यहाँ आने पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप यहाँ आके वो हर कुछ देख सकते हैं और माँ ने क्या वर्क किया है उसे आप फील कर सकते हैं।
और मैं एक चीज़ ही बोलूँगा कि जो ने माँ ने आपको संदेश दिया उस पर जरूर आप लोग एक बार पहल करें और माँ का हर एक संदेश पे आप लोग चलें, आपका जीवन बहुत ही सफल सफल होगा। और आप सबके लिए निमंत्रण है, मेरी तरफ से आप सबके लिए निमंत्रण है, आप यहाँ जरूर आए हैं। माँ ने पर्सनली आप सबों को इनवाइट किया है कि आप लोग एक बार यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इससे ज़्यादा पीसफुल जगह अपनी लाइफ में कहीं नहीं मिली है। तो अगर आप पीस पसंद करते हो, शांति पसंद करते हो, तो आप यहाँ एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आप सुन रहे थे विरायतन की ताई माँ को। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ताई माँ के साथ इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अभी बाहर आए थे, तो आप लोग जरूर एक बार देखना कि माँ ने क्या क्या सुझाव दिया है, क्या क्या उनका मानना है, क्या क्या मान्यता है, क्या क्या वो आप लोगों को बताए, उस पर जरूर एक बार पहल करना, देखना और समझना, क्योंकि माँ बहुत ही बड़ा एक चीज़ की है यहाँ के लिए, हर किसी के लिए, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो आँख से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है कि वो आँख से आज देख पा रहे हैं, उनको आँख मिल गया है, वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माँ का इंटरव्यू लेके। आप लोग जरूर देखना वीडियो को, और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।